कई बार फ्रेंड होता क्या है, कोई आपसे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी मांगता है बट आप उसे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं, तो उस केस में आप उसको टेम्प्रेरी ईमेल आईडी दे सकते हैं। इवन आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पे आपको साइनअप करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पे करते क्या आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद होता क्या है, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे वहाँ से नोटिफिकेशन और न्यूज़ अपडेट आने लग जाते हैं और स्पैम मेल भी आने लग जाते हैं, तो उससे आपका मेल बॉक्स फुल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े तो आप इसके लिए कर क्या सकते हैं, आप उसे टेम्प्रेरी ईमेल आईडी वहाँ पे दे सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप टेम्प्रेरी ईमेल आईडी क्रिएट करके किसी को दे सकते हैं अगर कोई आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है। तो टेम्प्रेरी ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे 10 मिनट मेल करके, यहाँ पे 10 मिनट मेल करके एक वेबसाइट है, आपको इसमें विजिट करना पड़ेगा। आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये आपको रेंडमली एक ईमेल आईडी क्रिएट करके दे देता है 10 मिनट के लिए, जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेट 10 मोर मिनट, जब आपके यहाँ पे 10 मिनट के बाद ये ईमेल आईडी एक्सपायर हो जाती है तो आप इसमें 10 मिनट मोर के लिए उसे वैलिड करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस मेल आईडी पे मेल रिसीव कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी मेल आईडी से एक मेल भेज के दिखाता हूँ। तो मैं इस मेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पे। तो मैं आ गया हूँ अपनी पर्सनल मेल आईडी पे, तो मैं यहाँ पे कंपोज करता हूँ, यहाँ पे मेल उसकी डाल देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट मेल लिखता हूँ और मैं इसे यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है, अब जाके मैं वहाँ पे चेक करता हूँ कि वहाँ पे मेल आई है नहीं आई है। तो मैं आ गया हूँ इस ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी मेल यहाँ पे रिसीव होती है या नहीं होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी मेल आईडी से यहाँ पे मुझे मेल एक रिसीव हो गई है, तो आप इसे ओपन करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस मेल आईडी पे मेल रिसीव भी हो जाएगी, इवन आप यहाँ से रिप्लाई या किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हो और यहाँ से गेट 10 मोर मिनट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको किसी दूसरी ऐसी वेबसाइट पे इसको यूज़ करना है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हो, क्योंकि कई सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी ले ली जाती है और उस पर स्पैम मेल बाद में सेंड होती है या आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आप चाहते हो ऐसा कुछ ना हो, तो आप वहाँ पे इस टेम्प्रेरी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ पे हम इस मेल आईडी के थ्रू साइनअप करेंगे। तो आ गया हूँ मैं एक वेबसाइट पे जिसपे मैं साइनअप करूँगा इस मेल आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे साइनअप पे मैं क्लिक करता हूँ। साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कंटिन्यू विद ईमेल करना होगा। कंटिन्यू विद ईमेल करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है मेल आईडी। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे एक नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है, तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक नाम डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया। उसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट में करूँगा। अकाउंट के बाद यहाँ पे उससे कोड मांगेगा, ये कोड इसने मेरी उस मेल पे सेंड किया। तो मैं चेक करता हूँ ये मेल पे मुझे कोड मिला है या नहीं मिला है। तो मैं अपनी मेल आई डी पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोड यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे को कोड रिसीव हो गया है। तो आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे, उस कोड को कॉपी कर लीजिए और उस वेबसाइट पे जाकर डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है, तो कोड डालते ही मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया है और अब जो भी मैं काम करूंगा इस टेम्प्रेरी आईडी के थ्रू मेरा काम इस वेबसाइट पे होगा। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।